इंदौर के अस्पताल से जुड़े मामले को सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, जहां डेंगू के कारण युवक की जान चली गई। परिजन शव को मोर्चरी लेने पहुंचे तो शव गायब था। मामले की छानबीन की तो पता चला कि शव दूसरा परिवार ले जा चुका है। हंगामे के बाद शव वापस अस्पताल लाया गया। अपने सामने था, वहाँ से लाए हम, जो क्या बोलते हैं मोर्चरी, क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे रखा हमने, छह नंबर पे रखा हमने, अपने पर्ची वगैरह सब है अपने पास। आधे घंटे में सब उन्होंने चेंज कर दिया, पर्ची अपने सब साथ में है। बड़वा पहुंचे थी पहले, नहीं पहले उन्होंने बोला मरी बता चौराहे पे पहुंच गया, सब वापस आ रहा है, बोले 15-20 मिनट बाद जाएगा। फिर हमने शांति रखा, ठीक है बोले। फिर थोड़ी देर में फोन आया, बोले कि बड़वा पहुंच गया 2 घंटे। हंगामे की सूचना के बाद बलाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार भी अरविंदो अस्पताल पहुंचे थे, जहां मनोज परमार ने अस्पताल में मैनेजमेंट मैनेजर के खिलाफ FIR करने की पुलिस प्रशासन से मांग की है। राजू सिंह यहां पर जो संचालक है अरविंदो हॉस्पिटल के, उनसे बात करने की कोशिश करी तो उनने बात नहीं करी, और बात करते वक्त इनके साथ बदतमीजी करी कि बॉडी तुम ढूंढो, बोले तुम्हारी बॉडी तुम ढूंढो। तो ये लोग अरविंदो हॉस्पिटल के कर्मचारी थोड़ी है जो ये ढूंढेंगे बॉडी। तो इनके साथ बदतमीजी करके इनके साथ बिहेव बहुत गलत तरीके से किया, नकारात्मक बिहेव था। तो इन्होंने मुझे फ़ोन लगाया और मैंने आप सब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को बोला और मालूम पड़ा कि बॉडी बड़वा चली गई थी। वहीं दूसरी ओर हंगामे को देख अस्पताल प्रबंधक मैनेजमेंट के मैनेजर राजीव सिंह भी मौके पर पहुंचे थे, जहां अरविंदो अस्पताल के मैनेजर राजीव सिंह ने बतलाया कि अस्पताल प्रबंधन की कोई लापरवाही नहीं है। मृतक गुलाब और रोहित दोनों के शव मोर्चरी में थे, लेकिन मैनेजर सिंह ने कहा कि मृतक रोहित के परिजन जल्दबाजी में उसको अपना समझकर अपने साथ गुलाब के शव को ले गए थे। पुलिस ने मामले में जांच की बात कही है। मामला है, लेकिन एलिगेशन लग रहे हैं अस्पताल प्रबंधक का, क्या पूरा मामला है? नहीं, रात में एक रोहित पेशेंट की डेथ हुई थी और दूसरा गुलाब सिंह की सुबह में 5 बजे के करीब हुई थी। तो दोनों की बॉडी मॉर्चरी में रखी हुई थी। हमारे जो मॉर्चरी अटेंडेंट के द्वारा जो रोहित पेशेंट की मृतक की जो बॉडी दे रहे थे, सुपुर्द कर रहे थे, तो उसमें हम जब भी देते हैं इसी जगह पे हम उनको बॉडी को शिनाख्त कराते हैं। शिनाख्त करा के उनके अटेंडर द्वारा, उनके परिजनों द्वारा वो बॉडी लेके निकले थे, थोड़ी दूर निकल गए, पता चला कि इनकी जब ये लेने आए तो उनकी बॉडी है ना, उनकी बॉडी गुलाब सिंह की बॉडी वो जस्ट लेके गए थे, लेकिन थोड़ी दूर में उनके वापस करके बुला लिया। वो रोहित जी नहीं, लापरवाही कुछ नहीं, वो उनके परिजनों को शिनाख्त करा दी गई थी, जो रोहित के परिजनों को जो पहले बॉडी लेके निकले थे, नहीं वो पहचान नहीं पाए दोनों के। हाँ आप उनकी लापरवाही है कहीं ना, हाँ उन्होंने बोला कि हाँ यही बॉडी है, जो उन्होंने साइन किया, उनके अटेंडर भी यहाँ पे कभी होंगे, उनसे भी पता कर सकते। रोहित की डेथ की अभी जानकारी, वो भी बीमार ही थे, बीमारी नॉर्मल एमएलसी नहीं। हाँ सुबह, हाँ पहचान वही यही हुआ ही है, उनके परिजन भी यही बता सकते हैं आपको, उनके परिजन से बात भी करा दी, वही हुआ। पीलिया की थी रोहित की, और हाँ दोनों परिजन को सौंपे गए। राजीव सिंह जनरल मैनेजर। देखिए आज सुबह क्या ये रोहित पिता मांगीलाल वर्मा और गुलाब पिता सुभाष छड़िया की, दोनों की शव जो है मर्चरी रूम में रखे हुए थे। रोहित के शव की जगह जो है उसके परिजन गुलाब का शव लेके चले गए थे। फिर जब उनको आगे जाके पता चला इस संबंध में कि शव बदल गया है, तो वो लोग फिर वापस आए यहाँ पर। अब इसमें जांच की जाएगी कि किस तरह की लापरवाही और किसके द्वारा। देखना होगा कि लापरवाही में आखिर असल गुनहगार कौन है। पंजाब केसरी TV के लिए सचिन बेहरानी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।